गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिकल क्लास में हमारे जो पक्षी है आर्डियोटिस निग्रीसेप्स उसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आर्डियोटिस निग्रीसेप्स को हम कोरियोटिस निग्रीसेप्स भी कहते हैं और इसे सामान्य जो भाषा है उसके अंदर हम गोडावन के नाम से भी जानते हैं और इसी को द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। ओके, सबसे पहले हम इस पक्षी का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देख लें। इस पक्षी का गोडावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एवीज का सदस्य है। इसका ऑर्डर ऑर्टिडी फॉर्मिस है, फैमिली ऑर्टिडी है, जीनस आर्डियोटिस एंड स्पीशीज आर्डियोटिस निग्रीसेप्स या कोरियोटिस। इसका जो जीनस है एक कोरियोटिस भी है जिसको हम कोरियोटिस निग्रीसेप्स कहते हैं। ओके, बाइनोमियल यदि इसका नेम देखें तो दैट इज आर्डियोटिस निग्रीसेप्स और कोरियोटिस निग्रीसेप्स भी इसको कहा जाता है। ये जो बस्टर्ड फैमिली है ऑर्टिडी उसका एक लार्ज बर्ड है एंड दिस आर्डियोटिस निग्रीसेप्स जो है वो विश्व में मिलने वाली जो हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स हैं उनमें से एक पक्षी है। ओके, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर ये ग्रासलैंड और स्क्रब्सलैंड्स वहाँ पर ये पाया जाता है और इसकी जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन अधिकांश जनसंख्या इसकी जो है वो कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है हमारे राजस्थान स्टेट के अंदर। राजस्थान के अंदर ये जो हमारा एरिड रीजन और सेमी एरिड रीजन है वहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, अब यदि हम इसके जनरल कैरेक्टर्स या फिजिकल फीचर्स या जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसकी यदि हम लंबाई की बात करें तो ये अप टू 1.2 मीटर लगभग 4 फीट इसकी हाइट होती है और यदि हम इसके वेट की बात करें तो इसका वेट जो है वो लगभग 8 to 14 किलोग्राम और 15 किलोग्राम तक जो है एक इंडिविजुअल पक्षी का वेट हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर मेल और फीमेल जंतु अलग अलग होते हैं जिनको हम उनके फैदर्स के जो कलर से उसके द्वारा अलग अलग पहचान सकते हैं। जंतु की जो बॉडी है वो हेड, एक लंबी नेक और एक हैवी ट्रंक, ये जो संरचना है जो फैदर से ढकी रहती है उनसे बनी हुई रहती है। गोडावन जो है वो वैसे ग्राउंड ड्वेलर है लेकिन ये उड़ान के लिए भी उड़ने में भी सक्षम होता है। ठीक है, तेज़ गति से ये भाग सकती है और लेकिन क्या होता है बॉडी जो है इसकी हैवी होती है, उसकी वजह से बॉडी के हैवी होने के कारण क्या होता है उड़ने से पहले ये पक्षी जो है एक लंबी दौड़ लगाता है। ठीक है, अब हम बात करें इसके फैदर्स की तो यदि मेल जंतु यदि हम देखें तो मेल के अंदर क्या होता है जो इसका हेड का जो टॉप पोर्शन होता है वहाँ के फैदर्स जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं और नेक, ब्रेस्ट और जो अंडर पार्ट्स होते हैं वो थोड़े वाइटिश कलर के होते हैं जिन पे ब्राउन कलर के विंग्स और जो है जिन पर ब्लैक और ग्रे कलर की मार्किंग पाई जाती है। इसके अलावा ब्रेस्ट के चारों तरफ जो है मेल के अंदर एक ब्लैक फैदर्स का स्मॉल और नैरो बैंड भी पाया जाता है। यदि हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर क्या होता है सिर के ऊपरी भाग के अंदर एक स्मॉलर ब्लैक कलर का क्राउन उपस्थित होता है और ब्लैक ब्रेस्ट बैंड जो है वो डिसकंटिन्यूस या एब्सेंट भी कुछ स्पीशीज़ के अंदर एब्सेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करें कि जंतु की फीडिंग की जंतु किस प्रकार जो है का जंतु है फीडिंग के संदर्भ में देखें तो ये ओमनिवोरस जंतु है। ये जैसे अनाज के दाने और जो है स्मॉल आर्थ्रोपोड्स, वर्म्स, स्मॉल मैमल्स, स्मॉल रेप्टाइल्स इनको जो है अपने भोजन के रूप में काम में लेता है। ओके, अब यदि हम इस जंतु की रिप्रोडक्शन की बात करें तो वैसे तो जंतु जो है वो ईयर राउंड ब्रीडिंग इसके अंदर हो सकती है लेकिन मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन में ब्रीडिंग सीजन जो है वो मार्च टू सितंबर का होता है। ओके,
उस टाइम पे क्या होता है, ये जंतु जो है इसके अंदर मेल जो है वो पॉलीगैमस टाइप का मेल होता है, पॉलीगाइनस इसके अंदर कंडीशन पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मेल जो है वो मल्टीपल फीमेल्स के साथ में मेटिंग करता है। ओके, आफ्टर ब्रीडिंग या मेटिंग होने के बाद में मेल जो है वो फीमेल का साथ छोड़ देता है और फीमेल जो है एग लेइंग करती है। ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन क्या होता है बच्चों, मेल के नेक रीजन के अंदर एक बड़ी ग्लैंड विकसित हो जाती है और मेटिंग के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ मेटिंग, मेल जो है वो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए एक प्रकार का डांस भी करता है। ठीक है, फीमेल जो है आफ्टर मेटिंग एक या दो थोड़े बादामी रंग के जो है वो एग लेइंग करती है, एग्स देती है। एग्स जो है वो किसी झाड़ी के नीचे या गड्ढे बनाकर दिए जाते हैं और केवल फीमेल एनिमल, फीमेल गोडावन जो है वो क्या कार्य करती है, एग्स को इनक्यूबेट करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, एग लेइंग हो गई। हैचलिंग्स जो होते हैं वो आफ्टर वन वीक, हैचलिंग्स जो हैं वो आफ्टर हैचिंग वन वीक के बाद में अपना भोजन ग्रहण करने लायक हो जाते हैं। ओके, फीमेल्स जो हैं वो एट द एज ऑफ 2 or 3 years सेक्सुअली मैच्योर हो जाती हैं और मेल जो जंतु हैं वो एट द एज 5 or 6 years के अंदर सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। ओके, ये एक प्रकार का प्रोटेक्टेड एनिमल है। ठीक है, देखिए इन 1994 के अंदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, जो हमारी IUCN है उसकी रेड डाटा बुक के अंदर इसको एज ए एंडेंजर्ड स्पीशीज घोषित किया गया, लेकिन बाय 2011 के अंदर चूँकि इसकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है तो IUCN ने इसको रीक्लासीफाइड किया किसके अंदर, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर। लगभग 52 to 50 जो बर्ड्स हैं वो अभी इस स्पीशीज़ की, इस जीनस की बाकी हैं और इनमें से जो सबसे ज़्यादा जो संख्या है लगभग अप्रॉक्सीमेटली 175 ऑफ बर्ड्स जो हैं वो हमारे राजस्थान जो राज्य है वहाँ पर मिलती हैं। तो चूँकि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है इसलिए इस जंतु को मारना या इसका शिकार करना जो है वो बिल्कुल पनिशेबल है।